आज से स्वच्छता ही सेवा मिशन की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ देशवासियों को सफाई और स्वच्छता के लिए प्रेरित किया बल्कि खुद स्वच्छता श्रमदान कर स्वच्छता ही सेवा मिशन की प्रेरणा दी। खास बात तो ये रही, पीएम ने खुद श्रमदान दिया और अपने हाथों में झाड़ू उठाकर स्कूल परिसर की सफाई की। पीएम मोदी पहाड़गंज इलाके में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता श्रमदान देने गए थे, जहाँ उन्होंने साफ सफाई की। वहीं आपको बता दें, मोदी बाबा साहब अम्बेडकर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सफाई कर रहे थे। उनके हाथों में एक बड़ी सी झाड़ू थी, जिससे वे वहां पर गंदगी के रूप में बिखरे गंदे प्लेट और कूड़े कचरे को साफ कर रहे थे। घास जंगल होने की वजह से पीएम मोदी प्लास्टिक के इस्तेमाल प्लेट को बार बार झाड़ू से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी जब पीएम मोदी झाड़ू से कचरे को साफ कर पाने में सफल नहीं हुए तो फिर वे झाड़ू छोड़ खुद हाथों से प्लास्टिक के प्लेट और कूड़े कचरे को चुनने लगे। इस वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों से बातचीत भी की। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी, स्कूल में आने के दौरान पीएम मोदी बिना सुरक्षा वाले रूट से आए। मोदी का काफिला जिधर से गुजरा वहाँ सुरक्षा रूट नहीं था, मगर अच्छी बात ये रही कि ट्रैफिक को बाधित नहीं करना पड़ा और सामान्य ट्रैफिक के बीच ही पीएम मोदी स्कूल पहुँचे। यानी आज से 2 अक्टूबर तक पीएम मोदी ने स्वच्छता ही सेवा मिशन की पहल कर दी है। अब देखना होगा इस मिशन के तहत देश से कितनी गंदगी खत्म होती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस इंडिया को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।